मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि सिंह राशि वालों का अगस्त कैसा रहेगा, क्या क्या शुभ फल मिलेंगे जब लग्नेश की और आपके धनेश की युति बनेगी, बुधादित्य योग बनेगा। धनेश और लग्नेश का कॉम्बिनेशन सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को क्या क्या प्रॉफिटेबल रिजल्ट देंगे और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या अशुभ फल भी आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो मैं राशि फल सिंह लग्न वालों का और सिंह राशि वालों का बताने जा रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली के अनुसार भी देख सकते हो और अपनी राशि के अनुसार भी देख सकते हो। अगर आपके पास मान लिया कुंडली ही नहीं है तो आप क्या करोगे, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को समझ सकते हो। अब एक बात आती है कि मान लिया आपकी सिंह लग्न है और कर्क राशि है तो ऐसे में क्या करोगे, तो आप सिंह राशि और कर्क राशि दोनों का वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में यदि अच्छा रिजल्ट बताया गया है तो रिजल्ट आपको 100% अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो मान के चलिए कि रिजल्ट आपको 50-50 मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन पर सबसे पहले आप चार्ट देखिए कि आपके जो लग्नेश हैं माह के शुरुआत में 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं और धन के और आमदनी के जो स्वामी हैं दोनों के ही स्वामी बन जाते हैं बुध देवता, और ऐसे बुध देवता आपके लग्न में दिशा बल लेकर के स्थान बल लेकर के दो बल इनके पास हैं बैठे हुए हैं। बुध जब भी लग्न में बैठते हैं तो इनको जो है दिशा बल प्राप्त हो जाता है, और अपने मित्र के घर में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है स्थान बल भी इनको मिला हुआ है। तो दो बल के साथ बुध यहाँ पर बैठे हैं और पूरा महीना यहीं पर रहेंगे, और साथ ही साथ शुक्र के साथ और मंगल के साथ इनकी युति भी बनी हुई है। तीन ग्रह आपके लग्न में हैं, हालांकि मंगल देवता का राशि परिवर्तन हो जाएगा 17 तारीख को, और शुक्र देवता रहेंगे तो लग्न में ही लेकिन अस्त हो जाएंगे 3 तारीख को, और सूर्य का जो गोचर है जो कि आपके लग्नेश हैं इनका जो है 17 तारीख से बुध के साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा और आने वाले एक महीने तक इनका कॉम्बिनेशन बना रहेगा। बुधादित्य योग बनेगा और धनेश लग्नेश की युति से कई प्रकार के आपको सुफल मिलेंगे। गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके भाग्य भाव पे बैठे हुए हैं, और वहीं पर शनि देवता वक्री अवस्था में आपके सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो आपके कुंडली में नौकरी के स्वामी बन जाते हैं शनि देवता और कर्म के स्वामी बन जाते हैं शुक्र देवता। शनि देवता काफ़ी पावरफुल स्थिति में हैं, सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं और पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, और वहीं कर्मेश शुक्र आपके लग्न में है। इसका मतलब ये रहा नौकरी आप चाहे प्राइवेट करते हो या सरकारी जॉब में हो, निश्चित तौर पे उसमें आपको फायदेमंद स्थितियां दिखाई पड़ेंगी। शुक्र का लग्न में बैठना, हालांकि ये शत्रु राशि में अवश्य हैं लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं, क्योंकि बीच में अस्त होंगे, फिर वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, तो यहाँ पर लगभग ये 2-2.5 महीने तक रहेंगे। तो इस अवधि में जिन व्यक्तियों के पास नौकरी नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप प्रयास करोगे तो एक कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और लग्न में बैठे हैं, शुरुआत में थोड़ा पीड़ित अवश्य रहेंगे लेकिन ये आपको नौकरी दिलवा देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए, नौकरी के लिए शुक्रदेव का मूवमेंट बहुत बढ़िया है, और अगर आपका किसी कारणवश प्रमोशन रुका हुआ है तो वह इस अवधि में जब तक शुक्र का यहाँ पे गोचर रहेगा लगभग 2-2.5 महीने तक, तो मान के चलिए कि प्रमोशन आपको ये दिला करके जाएंगे या आपकी सैलरी इस पीरियड में बढ़ सकती है। ऐसे योग शुक्र देवता की कृपा से बने हुए हैं, और उधर शनि देव की कृपा से नौकरी मिलने के और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस बने हुए हैं। ये एक तो आपने प्लस पॉइंट सुना। अब बात करें व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए जो स्थिति है इस महीना थोड़ा सामान्य नज़र आ रही है। वक्री अवस्था में शनि है और 3 ग्रहों का जमावड़ा
आपके लग्न पे बना हुआ है बुध शुक्र और मंगल का, और जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके आपके धन स्थान पे जाएंगे वैसे ही सूर्य देवता का गोचर लग्न में हो जाएगा, तो तीन ग्रह आपके लग्न पे रहेंगे ही रहेंगे, तो शनि थोड़ा पीड़ित अवस्था में भी रहेंगे। तो अगर आप व्यापारी हो तो इस अवधि को आपको धैर्य से काटना चाहिए। व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी, खराब इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि व्यापार के मालिक होकर के शनि देवता अपने घर में बैठे हैं, ये भी स्थान बल और दिशा बल लेकर के बैठे हैं क्योंकि छठे भाव में इनको दिशा बल मिल जाता है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो इसका मतलब ये भी कम पावरफुल स्थिति में नहीं है। तो व्यापारियों के लिए स्थिति सामान्य है, लेकिन कमाल की बात यह है कि बुध मजबूत है, इसके कई प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्येश मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं और ये बैठे रहेंगे यहाँ 16 तारीख तक, और उसके बाद ये चले जाएंगे आपके धन स्थान पर। इसका मतलब ये रहा भाग्य से आपके पास धन भी आएगा और भाग्य से आपके सारे काम बनेंगे, दैवी कृपा आप पर बनी रहेगी जिसके फलस्वरूप स्थितियाँ आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। विद्यार्थियों की यदि देखें तो शिक्षा उच्च शिक्षा दोनों में ही स्थिति अनुकूल दिखाई पड़ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करते रहिए, निश्चित ही आप सफल होंगे अपने कैरियर बनाने में। और अगर प्रेमी जोड़ों की देखें तो प्रेम में भी समुचित मात्रा में सफलता आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 17 तारीख के बाद जब मंगलदेव आपके वाणी स्थान पे जाएं तो परम शत्रु की राशि में जाएंगे, तो वाणी में उग्रता तेज आपके आ जाएगी, तो वाणी संभल करके आप प्रयोग करिएगा वरना अपनों से भी मतभेद कर बैठोगे और वहीं प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना आपको उस पीरियड में करना पड़ सकता है 17 तारीख के बाद। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो शनि यहाँ पर पीड़ित होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये रहा कि अगर पहले से कोई दिक्कत चल रही है आपके वैवाहिक जीवन में और आपकी सिंह लग्न है तो आपको चाहिए निरंतर शनि देवता का आप जप करें और साथ ही साथ सूर्य भगवान को जल भी देते रहें तो आपके लिए अच्छा है। और अगर दिक्कत नहीं चल रही है तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा बहुत आपस में सामंजस्य बना करके रखिएगा तो वैवाहिक जीवन बढ़िया आपका चलता रहेगा। अगर आपके शत्रु ज़्यादा हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमों से आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, और जो लोग शेयर मार्केट से जुड़ करके किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं उनके लिए पूरा महीना बहुत ही शानदार है, शेयर सट्टे से भरपूर मात्रा में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर यात्रा के आप शौकीन हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं तो उसके सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं, देश विदेश की आप यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप मकान भूमि भवन वाहन आदि की खरीदारी करना चाहते हैं तो उसके भी योग बड़े अच्छे बने हुए हैं, प्रॉपर्टी में यदि आप निवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर स्थिति आपके लिए फेवरेबल बनी हुई है, कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा संतान से संबंधित भी शुभ संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, तो यदि आपको संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर किसी कारणवश संतान से आपके वैचारिक मतभेद हैं तो वह भी इस समय दूर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं मैं रिटायर्ड हूँ और मुझे ये समस्या नहीं है वो समस्या नहीं है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति को समस्या नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में समस्याएं ही नहीं हैं। मान लिया आप भाग्यशाली हो, आप भाग्य के दम पे रोटी खा रहे हो, तो कम से कम जो लोग परेशान हैं उनको तो उपाय करने दो, कमेंट बॉक्स में नकारात्मकता मत फैलाओ, वीडियो पसंद आए तो देखो, अगर वीडियो नहीं पसंद आए तो जो लोग परेशान हैं उनको और भी निगेटिव कमेंट करके आप परेशान मत करो। अब अंत में बात करें स्वास्थ्य की, तो आपके लग्न पे बुध शुक्र मंगल की युति है 17 तारीख तक, और 17 तारीख के बाद लग्नेश आकर के बुधादित्य योग बना देंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो ज़बरदस्त तरीके से
आपको मान सम्मान मिलने लगेगा, कैरियर में ऊंचाइयां मिलने लगेंगी, अच्छे लोगों से आपके संबंध बनने लगेंगे, बुद्धि में सकारात्मकता आएगी। इतने प्रॉफिटेबल रिजल्ट तो सूर्य देवता और बुध देव की युति आपको देने वाली है। अगर शनि की या राहु की आपकी दशा नहीं चल रही है और आपकी सिंह लग्न है तो मान के चलिए स्वास्थ्य आपका शानदार रहेगा, लेकिन अगर इन दो प्लैनेट्स की दशा चल रही है तो आपको ओम आदित्याय नमः 108 टाइम्स जप करना है और साथ ही साथ सूर्य भगवान को जल देना है। ये उपाय यदि आप करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर लाभदायक स्थितियां आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। धन की यदि बात करें तो पूरा महीना धनेश चूंकि दिग्बली हैं, आपके कुंडली में आमदनी का भी मालिक बुध और सेविंग का डिपार्टमेंट भी बुध के पास है। आमदनी के भाव से अगर देखें तो तीसरे बैठे हैं और सबसे बड़ी चीज दिशा बल ले करके बैठे हैं, स्थान बल ले करके बैठे हैं, बुद्धादित्य योग बनाएंगे तो लंबे समय तक, अगस्त ही नहीं आने वाले लंबे समय तक आमदनी जबरदस्त तरीके से आपकी होती रहेगी। अब आप सेविंग करोगे या प्रॉपर्टी वगैरह में गाड़ी घोड़ा खरीदने में इन्वेस्टमेंट करोगे आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पैसा जबरदस्त तरीके से आपके पास आता रहेगा। गुरु का प्रभाव लग्न पे है तो जाहिर सी बात है बुद्धि में सकारात्मकता भी रहेगी और जो भी आप फ्यूचर के लिए अपने डिसीजंस लोगे या परिवार के लिए डिसीजंस लोगे वो सभी डिसीजंस ज़्यादातर आपके सही साबित होंगे। उपाय करिए, खुश रहिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।